ध्रुव राठी के बारे में एक बात बड़ी प्रसिद्ध है। अगर आपको ये जानना हो कि वो झूठ कब बोल रहा है, तो उसका आंसर है कि जब उसके होंठ हिल रहे हैं, तो इसका मतलब है वो झूठ बोल रहा है। इसका एक दूसरा संस्करण, एक दूसरा वेरिएशन भी है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ध्रुव राठी झूठ नहीं बोल रहा। तो अगर उसके होंठ बंद है, उसका मुंह बंद है, तो इसका मतलब है वो झूठ नहीं बोल रहा। उसके झूठ को समझने से पहले ये देखना पड़ेगा कि सच क्या है। मोहम्मदवाद की एक किताब है कुरान। इस किताब में गैर मुसलमानों के लिए बहुत सारी नफरत, घृणा और हिंसा भरी हुई है। और ये जो घृणा ही केवल गैर मुसलमानों के लिए नहीं है, उनके आराध्य देवों के लिए भी है और उनकी जो पूजा पद्धति है उसके लिए भी है। अब हिंदू धर्म में तो बहुत सारी पूजा पद्धति की विधियां हैं। आप उसमें भक्ति कर सकते हैं, आप उसमें योग कर सकते हैं और आप उसमें मूर्तियों की पूजा कर सकते हैं। मूर्ति पूजा क्योंकि दिखती है, स्पष्ट सामने दृष्टिगोचर है, इसलिए उस पर बहुत ज्यादा हमले पिछले 1400 वर्षों में किए गए हैं। और ये किए गए हैं कुरान की उन आयतों के कारण जो मूर्ति पूजा के खिलाफ नफरत सिखाती हैं। मोहम्मद के चेलों का दावा है कि कोई अल्लाह नाम का गॉड है जिसने कुरान नाम की किताब लिखी है और इसका एक एक लफ्ज़, एक एक शब्द सच है। अगर आप इस किताब का चैप्टर नंबर 22 और उसका सेंटेंस नंबर 30 देखते हैं, इस्लाम में चैप्टर को सुरा कहते हैं और सेंटेंस को आयत कहते हैं, तो सूरह 22 की अगर आयत नंबर 30 आप देखेंगे तो वो आपको बताती है कि मूर्ति पूजा के बारे में इस्लाम कितनी घृणा करता है। हमारे देश में तीन तरह की ट्रांसलेशन चलती है हिंदी की, यूं तो बहुत सारे हैं लेकिन ये तीन जो है वो सबसे प्रमुख हैं, तो मैं उनका रेफरेंस आपके साथ शेयर करता हूँ। पहली है फारूक खान नदवी की, क्या बताता है। और इसके अलावा जो शख्स अल्लाह की हुरमत वाली चीजों की तजीम करेगा तो ये उसके परवरदिगार के यहाँ उसके हक में बेहतर है, और उन जानवरों के अलावा जो तुमसे बयान किए जाएंगे कुल चार पाए तुम्हारे वास्ते हलाल किए गए, तो तुम नापाक बुतों से बचे रहो और लगो बातें गाने वगैरह से बचे रहो। यहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है आज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहां पर बुतों को यानी मूर्तियों को नापाक कहा जा रहा है। इसी को देखते हैं फारूक खान एंड अहमद वाली जो ट्रांसलेशन है उसमें, तो मूर्तियों की गंदगी से बचो और बचो झूठी बातों से। तो जहां उसमें नापाक कहा था या गंदगी कह रहे हैं। अब देखते हैं फतेह मोहम्मद खान जलंधरी क्या बोलता है, और बुतों की पलीदी से बचो। अब पलीदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है और अर्थ इसका भी वही है, घृणित, मलिन, गंदा और मन से जो नीच लगता है उसे पलीदी कहते हैं। तो तीनों तरह की जो ट्रांसलेशन है वो आपको बिल्कुल स्पष्ट बता रही है कि कुरान मूर्ति पूजा का विरोधी है, और इसी कारण जो व्यक्ति इस्लाम को मानेगा वो मूर्ति पूजा का विरोधी होगा, और इसके हमने बहुत सारे एग्जांपल अपने इतिहास में देखे हैं। अगर अभी भी कोई संदेह हो तो अंग्रेजी अनुवाद देख सकते हैं। संसार भर में जितने कुरान के अनुवाद, उन्हें जब आप देखेंगे तो मूर्तियों के लिए जिन शब्दों का वो उपयोग करते हैं तो आपको ना केवल शॉक लगेगा, ना केवल दुख होगा, बल्कि आपको हो सकता है क्रोध भी आए इस पर। जो इंग्लिश की ट्रांसलेशंस में शब्दों का उपयोग किया गया है वो है फिल्थ, एबोमिनेशन, रिप्यूगनेंस, लोथसम, इविल, पॉल्यूटिंग और अनक्लीन। उनके अर्थ आप जानते ही हैं लेकिन फिर भी, फिल्थ यानी गंदगी, रिप्यूगनेंस यानी घृणा, लोथसम यानी विभत्स, इविल यानी बुराई, ये यूज कैसे किए जा रहे हैं। मैं आपको जितने आजकल आप अगर इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको सारे जो इनके इस्लाम के जानकार हैं उनकी ट्रांसलेशन अवेलेबल है। tanzeel.net पे जाइए, सब मिल जाएगा आपको। अहमद अली क्या बोल रहा है, रिप्यूगनेंस। फिल्थ कौन बोल रहा है, अहमद रजा खान, मोहम्मद पिकथौल, मोहम्मद करीबुल्ला और दरवीश। लोथसम और इविल कौन बोल रहा है, मोहम्मद असद। पोल्यूशन कौन बोल रहा है, दरियाबादी। सबसे अधिक उपयोग किया एबोमिनेशन शब्द का, किस किस ने, आरबरी, हिलाली एंड खान, इतानी, आला मौदूदी, करई, वहीदुद्दीन खान और मोहम्मद यूसुफ अली ने। अनक्लीनलीनेस किसने यूज किया, शकीर और सही इंटरनेशनल ने। अब ये जानने के बाद ध्रुव राठी के झूठ को समझना सरल हो जाएगा, क्योंकि अब आपने सच तो जान लिया। देखिए ध्रुव राठी मूर्ति पूजा के बारे में कैसे जस्टिफिकेशन देता है।
कुरान आयत 448 को अक्सर कोट किया जाता है कि ये वो कोट है जो दिखाता है कि कैसे कुरान बिल्कुल ही मूर्तियों के अगेंस्ट है। 448 नहीं है गधे, 2230 है। यहाँ भी हम देखते हैं कि डू नॉट एसोसिएट पार्टनर्स विद गॉड, यानी भगवान के अलावा किसी और के भक्त मत बनो, किसी और की पूजा मत करो। यही सेंटिमेंट कुरान चैप्टर 31 आयत 13 में दिखता है कि केवल भगवान की पूजा करो। यहाँ इसकी धूर्तता ये है कि साधारण हिंदू को तो पता ही नहीं कि कुरान में कहाँ पर उसी के विषय में कितनी घृणा और हिंसा लिखी हुई है। हिंदुओं को तो आप जो परोस देते हो उसी को स्वीकार कर लेते हैं। अब कई लोग ना बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं, फिर वो प्रश्न पूछते हैं कि भाई साहब ध्रुव राठी तो स्वयं एक हिंदू है तो वो ये क्यों कर रहा है। मैं इसका उत्तर देने के बजाय प्रत्युत्तर में एक प्रश्न पूछता हूँ कि जलियांवाला बाग में हमारे देश के लोगों को, हमारे क्रांतिकारियों को हजारों गोलियां मारी गई। आदेश देने वाला जनरल डायर था वो तो ठीक है, लेकिन वो गोलियां चला कौन रहे थे? आम सिपाही क्यों चला रहे थे? अगर आपको उनका उत्तर मिल गया तो आपको ध्रुव राठी का उत्तर भी मिल जाएगा। नमस्ते। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि संभव हो तो यथा योग्यता हमें सहयोग करें, इससे हमारे चैनल को सहायता मिलती है। नमस्कार।